फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है और उसका पहला वीकेंड कर्फ्यू है। आज राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में देख सकते हैं कि इस समय मैं जोधपुर के सबसे व्यस्तम इलाके जालोरी गेट चौराहे पे खड़ा हूं और वहां पर लोगों की आवाजाही तो हालांकि कम है रूटीन देखते हुए, लेकिन आज कर्फ्यू को लेकर सरदारपुरा पुलिस है जिनके SHO दिनेश लखावत के नेतृत्व में यहाँ लगातार एक एक गाड़ी को रुका के वाहन को जो एसेंशियल सर्विसें रखी गई है चालू वो उनको लेकर पूछताछ की जा रही है। आज कड़ी नाकाबंदी भी देखने को मिली है, आप हर जगह देख सकते हैं जिन जिन जो एसेंशियल सर्विसों को छूट दी गई। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ SHO हैं। सर, किन किन चीज़ों के लिए आज लोग पब्लिक काम बाहर निकल सकती है? जैसा आपको पता है कि आज सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है इसके अनुसार जन अनुशासन कर्फ्यू शनिवार रात को 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लगाया गया है। इसमें आवश्यक सेवाओं को परमिशन दी गई है, फल और सब्जियां जो या दूध या जैसी सामग्री है उनको हम लोग परमिशन देके वो बेच सकते हैं और बाकी हम लोग इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जन अनुशासन कर्फ्यू की कड़ाई से पालना कराई जाए ताकि जो कोरोना के केसेज एक बार फिर से बढ़े हैं उन पर रोक लग सके और सबको जो है वो जब तक कोरोना की लड़ाई अपन पूरी नहीं जीते तब तक ये आवश्यक है कि ये एक बार फिर से इसको सुनिश्चित किया जाए। लगातार पुलिस मुस्तैद है, हर चौराहे पे है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार की ADG स्मिता श्रीवास्तव भी जोधपुर पहुंच चुकी है, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। कमिश्नर जोस मोहन भी हर नाके पर मॉनिटरिंग का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय जोधपुर में तकरीबन 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 102 महामारी एक्ट के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं, लोगों को समझाइश की जा रही है, लगातार पुलिस और जिला कलेक्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप किस जगह जा रहे हो, कहां से आ रहे हो? अगर यहां पर अनगल जो लोग हैं वो घूमते हुए नजर आ रहे हैं तो उनको रोक कर उनके खिलाफ चालान भी बनाए जा रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये सूरजपुर चौराया है, यहाँ पर लोग जो हैं आने जाने वाले लोगों को यहाँ पर पुलिसकर्मी रोक कर पूछताछ कर रहे हैं। ज़रूरी काम होने पर यहाँ से जाने दिया जा रहा है, नहीं अन्यथा यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर सूरजपुर इंचार्ज मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। सर, किस प्रकार की व्यवस्था की, वीकेंड कर्फ्यू सरकार द्वारा जारी किया गया, उदयपुर में किस तरह की तमाम व्यवस्था है? राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए संडे को एक वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। इसकी व्यवस्था के लिए समय का शनिवार रात्रि 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक का ये वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें पूरे शहर में 44 पुलिस नाके लगाए जाकर वहाँ पर राउंड द क्लॉक जाब्ता लगाया गया है और लोगों को समझाइश भी की गई है। मार्केट में अनाउंसमेंट कराया गया है कि जो अत्यावश्यक सेवा है जिसमें मेडिकल है, केमिस्ट शॉप, IT, दूरसंचार, फैक्ट्री प्रोडक्शन और खाद्यान्न सामग्री, इसके अलावा किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा है और लोगों को समझा इसका असर भी है। मार्केट ऑलमोस्ट बंद है, अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर सारे मार्केट बंद है और आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग करके उनको समझाइश की जा रही है, कारण पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर जो ट्रैवलर्स और मेडिकल पर्पज़ से ही आने वाले निकल रहे हैं, अन्यथा ऑलमोस्ट पूरे तरीके से बंद है शहर में और लोग भी अनुशासन से फॉलो कर रहे हैं इसको। किस प्रकार से आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी यहाँ पर जो तैनात हैं, यहाँ पर इंचार्ज का कहना है कि वीकेंड कर्फ्यू जो राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है उसके पालन की जा रही है। वहीं कोरोना संक्रमण की अगर बात की जाए उदयपुर शहर की, तो यहाँ पर विगत जनवरी माह की अगर बात की जाए तो 4,000 से ऊपर यहाँ पर जो एक्टिव केस है वो जो सामने आ चुके हैं। वहीं 2 दिन की अगर बात की जाए पुरानी, तो यहाँ पर कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पोस्ट ओमिक्रॉन की 1 बुजुर्ग की यहाँ पर मौत हो चुकी है। लगातार CMHO जो है वो यहाँ पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अधिक से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाई जाए। राजस्थान में थर्ड वेव की एंट्री के बाद पाबंदी और सख्ती बढ़ा दी गई है। शनिवार रात 11 बजे से सुबह में पहला वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं अजमेर म्यूजियम की उस सड़क पर जहाँ हमेशा हजारों पर्यटकों की भीड़ दरगाह के लिए जाती दिखाई देती है, लेकिन वीकेंड कर्फ्यू के चलते आज ये सड़क सुनसान है। प्रशासन की ओर से वीकेंड कर्फ्यू की पालना के लिए जगह जगह नाकाबंदी कर पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन जहां सुबह सुबह पुलिसकर्मी दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की सख्ती या यूं कहें कि कोई पूछताछ होती दिखाई नहीं दे रही है।
वीकेंड कर्फ्यू में इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद दिखाई दे रहा है। हालांकि अनुमत सेवाओं में पेट्रोल पंप, दूध की डेयरियां और इक्का दुक्का लोडिंग वाहन आते जाते दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल, जिम, क्लब बंद दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर इस वक्त दूध और फल के खरीदारी करने के लिए लोग दिखाई दे रहे हैं। वहीं अजमेर में रविवार को इस मौसम का पहला सर्द और घना कोहरा भी देखा जा रहा है, जिसके चलते भी आवाजाही ना के बराबर दिखाई दे रही है। कोरोना की तीसरी लहर में ये पहली बार वीकेंड कर्फ्यू लग रहा है, जिसमें आम जरूरत की दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। इसके साथ ही सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू की गाइडलाइन लागू रही और उसके बाद ही एक बार फिर रोजाना की तरह बाजार गुलजार होंगे। सुशील पाल, राजस्थान तक, अजमेर।